सब सुन लो मिलकर बात यही रहे, जच्चा बच्चा कैसे सही कैसे सही कैसे सही। ये लो। आज बहुत थक गया हूँ। अरे वाह, भूख भी बहुत तेज से लगी है। अभी ला रहे खाना। अरे अरे लल्ला लो, रो रहे हो? ओहो, ये ले खाना। तुमने खाना खा लिया? हाँ, हमने खाना खा लिया। चलो तब ठीक है। इसे चुप कराओ, देखो रो रहा है। ना ना बच्चा, जब देखो तब ये खांसता रहता है। चैन से खाना भी नसीब नहीं। अरे खांसी के लिए कुछ दिया भी है या नहीं? हाँ, तुलसी का पानी दे रही हूँ, उससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तुम ही काहे नहीं डॉक्टर के पास ले जाते हो इसे? अच्छा, इतना फुर्सत हमारे पास है? अरे काम से समय मिलेगा तब इसको इधर उधर लेकर दौड़ेंगे ना। चलो ठीक है, कल दिखा दूंगा। ओम भट स्वाहा। बाबा बहुत परेशान है। क्या हुआ है बच्चे को? इसको कई दिनों से बुखार है, छूट ही नहीं रहा। सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, बाबा के शरण में सब ठीक होगा। ये ले भभूति, लगाना सुबह शाम दोनों टाइम लगाना, सब ठीक होगा। ठीक तो हो जाएगा ना? एकदम ठीक होगा, बाबा के शरण में सब ठीक है। बाबा ठीक होगा। ओम भट स्वाहा। नहीं। क्या हुआ? अब क्या हुआ? अभी खांसी बंद नहीं हुई? अभी तक इसकी खांसी बंद ही नहीं हुई है। ओझा की भभूति भी किसी काम ना आई। छोटू बेचारा अभी तक खांस रहा है और उसका बुखार भी कम नहीं हो रहा है। क्या करें अब? क्या करेंगे? तुम सही कह रही हो, ओझा की भभूति किसी काम का नहीं। एक काम कर सकते हैं, आज गांव में किसी वैद्य को दिखाते हैं, शायद ठीक हो जाए। वैद्य जी, बच्चे का बहुत तबीयत खराब है। अब बैठो बैठो बैठो। बहुत परेशान है। क्या हुआ इस बच्चे? कई दिनों से रोए जा रहा, पता नहीं क्या हो गया। किसी को दिखाया नहीं? दिखाया अभी तक? हाँ, ओझा जी को दिखाया। किसी ओझा ओझे के पास बन जाया करो। इलु इलु
इसे 3 बार खिलाओ, सब सही हो जाएगा, है ना? समय पे खिला देना, ठीक है? अच्छा 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 चल। छोटू की तबीयत तो पहले से और भी ख़राब होती जा रही है और इसे सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हाँ सही कह रही हो, कुछ भी आराम नहीं हो रहा इसे। अरे ये काम क्यों नहीं करती? तुम ही आशा दीदी के पास चली जाओ, शायद वो कोई उपाय बता दे। सही कहा। ले जाओ, उठाओ। आशा दीदी, आशा दीदी। हाँ आ जाओ। नमस्ते दीदी। अरे कमला, अभी मैं तुम्हारी ही तरफ आ रही थी। और बताओ कैसे आना हुआ? देखो ना दीदी, पता नहीं क्या हो गया इसको। इसे कुछ दवा दी है या नहीं? घर की दवा भी दी, ओझा की भभूती भी दी और वैद्य को भी दिखाया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ले आओ इसे नजदीक, इसे मैं अच्छे से देखती हूँ। लगता है इसे ठंड लग गई है, तेज बुखार है और खांसी भी हो रही है। ये आम खांसी जुकाम तो नहीं लगता, कब से है इसे ये? याद तो कुछ नहीं है दीदी, लेकिन कुछ दिनों से परेशानी ज्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन दीदी बच्चों को तो अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है और फिर ठीक भी हो जाता है। तुम ठीक कह रही हो कमला, बच्चों को अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है, लेकिन कमला ये आम खांसी जुकाम जैसा नहीं लगता। देखो इसकी सांसें तेज तेज चल रही हैं और इसके गले से घर घर की आवाज़ भी आ रही है। मुझे तो लगता है इसे निमोनिया हो गया है। निमोनिया? दीदी क्या कोई गंभीर बीमारी है? हाँ कमला, अगर निमोनिया का इलाज सही समय पे ना किया गया तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है। और कमला इसका इलाज घर पे संभव नहीं है, तुम्हें इसे किसी शहर के अस्पताल या क्लिनिक में ले जाना होगा। और कमला जल्द से जल्द, नहीं तो इसकी जान को खतरा है। जी दीदी, मैं तुरंत इसको अभी लेके जाती हूँ। ठीक है मैं चलती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कमला और उसके पति को शायद यह मालूम नहीं कि न्यूमोनिया कितनी भयंकर बीमारी है और जिसका इलाज ना किया गया तो यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस बीमारी के भयंकर रूप को इस बात से पहचाना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मरने वाले बच्चों में 10 में से 2 बच्चे न्यूमोनिया के कारण ही मरते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूमोनिया से हर साल तकरीबन 52,000 बच्चों की मृत्यु होती है। न्यूमोनिया के कारण हुई 10 में से 8 मौत जीवन के पहले 2 वर्षों में होती है, यानी छोटे बच्चों की। फिर भी अपनी अज्ञानता के चलते माँ बाप इस बीमारी के लिए डॉक्टरों से सलाह नहीं लेते।
नमस्ते साहब। डॉक्टर साहब, बच्चे का बहुत तबीयत खराब है। क्या हुआ बच्चे को? पता नहीं क्या है साहब। दिखाइए इधर। इसको तो बुखार हो रहा है, इसको लिटाओ, वहां पर चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बच्चे को क्या हुआ? बच्चे में तो निमोनिया के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे मालूम चलेगा कि बच्चे को निमोनिया हो गया है? कई दिनों में सर्दी, खांसी और बंद नाक इसके लक्षण होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है वैसे इसके और भी लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे तेज बुखार के साथ सर्दी, तेज तेज सांस चलना एवं सांस लेने में परेशानी होना। निमोनिया में बच्चे सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, उनकी पसलियाँ भी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होती रहती हैं। सांस की कमी के चलते उनके ओंठ नीले पड़ सकते हैं और उन्हें कंपकंपी छूट सकती है। यह सारे लक्षण निमोनिया के हो सकते हैं, लेकिन अक्सर नन्हे शिशुओं में ऐसे लक्षण ढूंढ पाना कठिन हो जाता है। संभव है कि वे बेचैन रहें या फिर थके थके से लगें, मानो उनमें जान ही ना हो। तो ये तो थे लक्षण, लेकिन हम केवल लक्षणों के आधार पर ही निमोनिया होने या ना होने का ठोस निर्णय नहीं लेते। इसके साथ एक्सरे, बलगम की जांच, थूक की जांच एवं अन्य कई टेस्टों के पुख्ता सबूतों पर ही हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, निमोनिया के मरीजों को ठीक होने में कितना समय लग जाता है? दवाइयों का असर होने में कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन नियमित रूप से दवाइयों का पूरा कोर्स लेने के अलावा नियमित रूप से आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन यह ध्यान रहे कि दवाइयाँ अगर बीच में ही छोड़ दी तो निमोनिया फिर से हो सकता है, और वो भी पहले से भयानक रूप लेकर। जब बच्चा 6 माह से छोटा हो तो निमोनिया होने पर भी माँ किसी भी समय अपना दूध देना बंद ना करे। बड़े बच्चों को नियमित रूप से आराम के साथ पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। पौष्टिक आहार उनकी सांस की नलियों को मजबूत बनाता है, जिससे जमी बलगम को बाहर निकालने में मदद मिलती है। लेकिन आप चिंता ना करो, जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखो, उनका पालन करो, और ये दवाइयाँ और कुछ जांचें हैं वो करवा लो, जल्दी ही आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक है साहब। लेकिन हाँ, अगर आपने आने में जरा भी देर की होती तो आपके बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता। लेकिन डॉक्टर साहब, बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ, ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 निमोनिया के लक्षण और बचाव। आपने इस फिल्म में क्या देखा और क्या समझा? आइए मिलकर चर्चा करें। कमला के परिवार ने बच्चे को अस्पताल ले जाने से पहले क्या क्या किया? इससे क्या नुकसान या फायदा हुआ? निमोनिया के क्या क्या लक्षण होते हैं? क्या निमोनिया होने पर बच्चे को मां का दूध पिलाना चाहिए? क्यों?